नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बिना समय अजान को लेकर हिंदू जागरण मंच ने महू थाने पर ज्ञापन दिया। ध्वनि प्रदूषण की बात कही, पूरे देश में ज्ञापन दिया जाएगा। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत के सदस्यों द्वारा आज महू थाने पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर बेटाइम होने वाली अजान को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसमें अजान से आने वाले लाउडस्पीकर की तेज ध्वनि से आम लोगों, मरीजों और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को होने वाली परेशानी से प्रशासन को अवगत कराया गया। मंच के पवन शुक्ला ने बताया कि हमने मालवा प्रांत से ज्ञापन अभियान की शुरुआत की है, जो कि धीरे धीरे समूचे देश में चलाया जाएगा। दिन में दो समय होने वाली अजान से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पांच बार लाउडस्पीकर पर तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है, इसे सीमित किया जाए। उल्लेखनीय है कि इंदौर अभिभाषक संघ ने भी कुछ दिन पूर्व इसी विषय पर ज्ञापन सहित याचिका भी लगाई थी। आज हम सभी कार्यकर्ता हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत में, पूरे मालवा प्रांत में सभी थानों पर जो असमय पांच टाइम अजान होती है लाउड स्पीकर पे, जिस कारण से बच्चे, बूढ़े, मरीज और प्राकृतिक में भी इसका शोर शराबे के कारण जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रत्येक थाने पर इसका ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि ये लाउड स्पीकर से अजान होना बंद हो। इनका तय इनकी समय जो नमाज में है उस समय ये नमाज करें, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए हमने ज्ञापन दिया। ये भारत में सभी थानों में दिया आपने ज्ञापन? अभी इसकी शुरुआत जो है मालवा से चालू हुई है, मालवा प्रांत से, लगभग पूरे भारत में इसका दिया जाए। आपका नाम बता दो। पवन सुले।